बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दरअसल परसों जो परीक्षा होने जा रही है, जो 67th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, उसको लेकर तैयारी किया है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी सवाल पूछेंगे, जो 68th यानी जो 68वीं बीपीएससी है, उसका टेंटेटिव डेट क्या है, और सारे जो विषय हैं इन सारे विषयों पर हम उनसे सीधे सवाल करेंगे। सर, परसों परीक्षा है, 800 पदों के लिए 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। सर, हम ये जानना चाहते हैं और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि परसों की जो परीक्षा है उसमें कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं आपकी? परसों परीक्षा जो है उसमें करीब 1153 केंद्र हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग तैयार हैं। सारी व्यवस्था जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो 11 बजे तक निश्चित रूप से वो अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। बेशक वो आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले आ जा कर बैठ जाएँ, लेकिन 11 बजे से एक मिनट भी देरी स्वीकार्य नहीं होगा, उनकी एंट्री बंद रहेगा। और हमारा सारा काम उसमें चलेगा, हमारी सारी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं, और 2 दिन के बाद परीक्षा हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं कि वो बेहतर प्रदर्शन करें, स्वच्छ परीक्षा दें। हमें उम्मीद है कि ये हम लोग सफलतापूर्वक इसको हासिल कर लेंगे। सर, एक तरफ कई और भी लोक सेवा आयोग हैं जिनकी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठा है, जिनके टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बिहार लोक सेवा आयोग ने ताबड़तोड़ परीक्षाएं ली हैं, कई विभागों की परीक्षाएं ली हैं, उसका परिणाम भी जारी किया है। जब 67th बीपीएससी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब लोगों की नज़र होगी 68th। सर, जो अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि जो 68th बीपीएससी है उसकी परीक्षा कब होगी और सर पूरा उसके बारे में क्या जानकारी है? इस बार हम लोगों ने जितना भी हमारे यहाँ पेंडिंग था, कई विषयों के लेक्चरर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, ऑडिटर्स के, जितने भी हमारे जो पेंडिंग थे, उन सब का हम लोगों ने कैलेंडर बना लिया है और हम उस कैलेंडर के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो कैलेंडर हमारे वेबसाइट पर भी है, उसी में हमने 68th का भी हम लोगों ने एक डेट अपना टेंटेटिव रखा है, वो 8 जनवरी 2023 को हम लोग करना चाहेंगे। उसकी अभी पूरी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसके पहले हमारे वैकेंसीज आ जाएंगे और हम लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। और पहले से इसको कैलेंडर बताने का पर्पस यही है कि एक तो दूसरे या यूपीएससी या दूसरे स्टेट के भी जो सर्विस कमीशन हैं उनके तिथियों से क्लैश न हो, और कैंडिडेट्स को भी ज़्यादा समय मिल जाए अपनी तैयारी करने के लिए, और हमें भी अगर ये पता रहता है कि ये हमारा डेट है, कैलेंडर तय है, तो हमारे यहाँ भी डिसिप्लिन रहता है और हमारी भी पूरी तैयारी उसी डेट के अलॉन्ग होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कैलेंडर अगर लोग देखें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, और हमारा आयोग भी उसी के हिसाब से तैयारी कर रहा है। सर, अभी एक आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कोई मीटिंग हॉल आपने बनाया, यहाँ पे तैयार किया गया है, जो ओएमआर शीट यहाँ पे आएगी परीक्षा केंद्रों से, तो उसकी सर निगरानी हो पाएगी मीटिंग हॉल के जरिए, सर वो पूरा किया है? देखिए, पूर्व में मैंने बताया था कि जो परीक्षा को संचालित करने के पहलू पर हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए और क्या क्या परिवर्तन किए, और उसका अब हम परिणाम हम लोग देखेंगे 30 तारीख को। उसके आगे का फिर चरण जो है कि जब जो परीक्षा के उपरांत जो उत्तर पुस्तिकाएं या ओएमआर शीट जो हमारे यहाँ आएंगे, उनको स्ट्रांग रूम में हम रखेंगे, और उसके बाद जब उसके मूल्यांकन के लिए हम उसको बाहर निकालेंगे और पूरा मूल्यांकन हम करेंगे, मूल्यांकन की जो सारी प्रक्रिया है, स्कैनिंग की वगैरह वगैरह, इन सारे चीज़ों का हम वीडियो कैमरा पर हमारा रहेगा, CCTV कैमरा रहेगा, वो सब दिखेगा। अभी तक ये चीज़ हम पब्लिक को या मीडिया को नहीं दिखाते थे, खाली अपने पास ही इसको रखते थे। इस बार हम लोगों ने यह किया है कि एक हमारे मीटिंग हॉल है, उसमें हम सारे वीडियो फुटेज जो है वो रियल टाइम है, लाइव हम उनको दिखाने के लिए वहाँ पर सिस्टम बना चुके हैं। अभी हमारे कल एक परीक्षा हुई लेक्चरर्स की, उसका हमारा उत्तर पुस्तिका जितना आया ओएमआर शीट्स, उसके आने का, उसको स्ट्रांग रूम में रखने का वो सारा प्रक्रिया हमारा, वो वीडियो फुटेज जो है वो दिख रहा था उस मीटिंग हॉल में। मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि वो आएँ, आमंत्रित हैं उनका, वो आमंत्रित हैं और वो आएँ, आकर के देखें, उनको भी कॉन्फिडेंस होगा,
हमें भी कॉन्फिडेंस होगा कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और अभ्यर्थियों को भी ये कॉन्फिडेंस होगा कि उनके उत्तर पुस्तिकाओं को हम लोगों ने कैसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा और कैसे हम उसको इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, सबके नज़र के सामने वो होगा तो इससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ही हमारे साथ बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। दरअसल परसों जो परीक्षा होने जा रही है ये 800 पदों के लिए परीक्षा है और 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यही परीक्षा 8 मई 2022 को ली गई थी लेकिन उस वक्त कुछ आरोप लगे थे, कुछ प्रश्न पत्र वायरल हुए थे जिसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई और नए सिरे से अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 30 सितंबर को ली जा रही है। यानी एक तरफ जहां 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहीं लोक सेवा आयोग की भी एक बड़ी चुनौती होगी और एक बड़ी परीक्षा होगी कि जिस परीक्षा में 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं, इतने बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं तो ये परीक्षा किस तरह से कदाचार मुक्त हो सके। हालांकि आयोग ने इस बार पूरी तैयारियाँ कर रखी है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।